हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बैंकिंग विजन में। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी काफ़ी बढ़िया चल रही होगी। तो कल मैंने 14 तारीख को 14 नवंबर को बैंकिंग मेगा मॉक चैलेंज जो कि ओलीवुड पे लाइव था उसे मैंने अटेम्प्ट किया था। बहुत सारे लोगों ने अटेम्प्ट किया था, तो चलिए देखते हैं कि क्या स्कोर रहा मेरा। तो यहाँ पे स्कोर की बात करें तो मेरा स्कोर रहा 49.25। बेकार है, अच्छा नहीं है, बट फिर भी शेयर तो करना ही आप लोगों के साथ। तो टोटल अटेम्प्ट की बात करें तो मैंने टोटल 68 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से 53 मेरे सही है और 50 मेरे रॉन्ग हो गए। और अब सेक्शनल बात कर लेते हैं, उसके बाद लेवल की बात करेंगे। तो सेक्शनल इंग्लिश की बात करें तो टोटल मैंने 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, 15 मेरे सही है और 10th रॉन्ग हो गया है। और स्कोर की बात करें तो 12.50, यहाँ पे परसेंटाइल देख सकते हैं कितना बुरा है, 36.5 परसेंटाइल रहा है इंग्लिश का। तो ऐसे भी इंग्लिश मेरी काफ़ी वीक है और इतने मतलब तो क्या है, परसेंटाइल बहुत ही ज़्यादा बेकार है। क्वांट की बात करें तो टोटल मैंने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, 17 सही है, 3 रॉन्ग हो गए हैं। स्कोर मेरा है 16.25 परसेंटाइल, 69.6। और उसके बाद जो है रीजनिंग, रीजनिंग की बात करें तो मैंने 23 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, 2 रॉन्ग हो गए, 21 राइट हुए हैं। स्कोर मेरा बना है 20.50 परसेंटाइल, बना है 78 परसेंटाइल। ओवरऑल परसेंटाइल की बात करें तो 63.2 परसेंटाइल मेरी बनी है, स्कोर देख सकते हैं 49.25। अब लेवल की बात करें तो सबसे पहले रीजनिंग की बात करते हैं। तो रीजनिंग का लेवल आप बोल सकते हैं डिफिकल्ट नहीं बोल सकते, मॉडरेट टू डिफिकल्ट बोल सकते हैं, इजी बिल्कुल भी नहीं था, आसान, इजी सॉरी मॉडरेट टू डिफिकल्ट बोल सकते हैं। क्वांट मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा, बहुत ही ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डिफिकल्ट बोल सकते हैं। बाकी इंग्लिश का लेवल भी मुझे ठीक ठाक लगा, इतना भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं। भले ही मेरा स्कोर नहीं बना हो लेकिन इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा मेरा स्कोर कार्ड आप लोग के सामने, आप लोग का कितना आया आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। बाकी पढ़ते रहिए, खुश रहिए, थैंक यू।